हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कर रहे हैं। ये इस चैप्टर की जो है पार्ट 5 है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले 4 वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख रहे थे। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हमें पढ़ना है इस वीडियो में। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। अब कोई भी आपके पास अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है ना, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है उसमें, और आपने उसको रिएक्ट किया, मतलब किसी भी तरीके से उसको हीट किया या कुछ भी और तरीके से फॉर्म में एनर्जी देते हो ना, एनर्जी दोगे तो ये टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। इसी को ही हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ गए। इसमें एक रिएक्टेंट होता है, मान लो एक रिएक्टेंट है ए बी से मिलके बना हुआ है वो, और जब आपने इसको किसी फॉर्म में एनर्जी दी तो ये टूट गया ए और बी में, तो ये क्या हो रहा है? डीकम्पोज हो रहा है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट यील्ड्स टू और मोर प्रोडक्ट्स। इसमें एक रिएक्टेंट देता है हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट FeSO4, और ये सॉलिड होता है, ठीक है। अब आपने इस फेरस सल्फेट को हीट करते हो, क्या करा इसको? हीट दिया। मैं कह रहा हूँ एनर्जी देनी है किसी भी फॉर्म में, तो हमने इसको हीट दे दी। हीट देने पे क्या मिलता है? Fe2O3 मिलती है हमें सॉलिड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड हमें मिलता है प्रोडक्ट, SO2 मिलता है SO3। तो मतलब एक प्रोडक्ट था आपके पास, आपने इसको हीट किया, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और दो गैसेज निकलती हैं, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सबसे पहले अब हम इसको समझते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आपने क्या लेना है नेचुरल फॉर्म में, जो हमें मिलता है FeSO4.7H2O मिलता है, मतलब समझ रहे हो, इसके साथ जो है 7H2O लगे हुए होते हैं। 7H2O का मतलब क्या है? वॉटर है इसके अंदर, और इसका कलर देखो, कलर क्या है? लाइट ग्रीन है ना, ग्रीन ग्रीन है, लाइट ग्रीन हल्का सा। अब आपने क्या किया, इसको ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया आराम से। टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने के बाद आप क्या करते हो, इसको हीट कर रहे हो। जब ये ग्रीन कलर का था, अब आप हीट करने के बाद कलर देख रहे हो इसका, क्या बन गया है? वाइट। अब ये बना है FeSO4। अब ये FeSO4 है, इससे 7H2O इवापोरेट हो गया है, हीट जो है इवापोरेट हो गई। अब आप इसको हीट करते हो ना, तो इस ये पाउडर बन जाता है, ठीक है, ये इस कलर का ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है, और SO2 और SO3 गैस जो है निकल जाती है, उड़ जाती हैं वो, ठीक है। रिएक्शन समझ में आ गया ना, FeSO4.7H2O था, आपने इसको हीट किया तो इसने वाटर जो है हीट रिमूव हो गया, इसमें इवापोरेट हो गया है, और ये डीकम्पोज हो गया है, टूट गया है। फेरिक ऑक्साइड जो सल्फर होते हैं, फेरिक ऑक्साइड जो सॉलिड है, और SO2 और SO3 गैसेस होती हैं, ये निकल गई हैं। अब सेकंड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं, ये है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल टू आइस। लेड नाइट्रेट को आप फिर से हीट कर रहे हो, जब आप इसको हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड बनता है और दो गैसेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 आपको निकलती है, ठीक है, दो गैसेस हैं। अब इसको समझते हैं फिर रिएक्शन की हेल्प से, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। ये इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट क्या है? लेड नाइट्रेट। अब आप इसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। जब आप इसको हीट करते हो ना, तो ये देखो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, ब्राउन फ्यूम्स, क्या निकल रही हैं? ब्राउन फ्यूम्स। ये किस वजह से होती हैं? NO2 की वजह से। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे, आप लेड नाइट्रेट को क्या एक ऐसा कंपाउंड है जब आप हीट करते हो तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, तो वो कौन सी होती है? NO2। ये आप NO2 को कैसे टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हो? NO2 अगर ब्राउन कलर की फ्यूम्स कोई भी कंपाउंड हीट देता है तो वो क्या होती है? NO2 गैस होती है। अब हम नेक्स्ट तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर होता है, आपको पता है, लिक्विड होता है। आप इस लिक्विड को इस तरीके से तोड़ते हो ताकि ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ मुड़ने से पहले मैं आपको एक बात देख लो यहाँ पे। अगर आप दो वाटर के मॉलिक्यूल ले रहे हो तो आपको
हाइड्रोजन के दो गैसेस मिलते हैं, दो मॉलिक्यूल मिलते हैं गैसेस के, और ऑक्सीजन के मिलते हैं एक। तो मतलब हाइड्रोजन गैस जो मिलेगी वो ऑक्सीजन से डबल होगी, डबल होगी। ठीक है, ये हम यहीं पे देखते हैं। अब इसका सेटअप देख लेते हैं, सेटअप आराम से। यहाँ पे सेटअप देख लो, इस बीकर के अंदर, इस बीकर के हमने अंदर वाटर रख दिया यहाँ पे, और इन टेस्ट ट्यूब को उल्टी कर दी और इनके अंदर भी हमने वाटर फिल कर दिया है। यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट है, एक एक जो है हमने एंड जो है बैटरी का कनेक्ट कर रखा है, उसको हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, एनोड। और एक कर रखा है हमने कैथोड। अब हमने इसको जो है कनेक्ट कर दिया। अब देखो क्या होता है जब आप इसको जो है हीट देते हो, तो यहाँ पे देखो ये जो है गैस बन गई यहाँ पे सारी। ये गैस आप देख रहे हो, और यहाँ पे भी, यहाँ पे देख रहे हो बबल्स, बबल्स देख पा रहे हो। इस वाले टेस्ट ट्यूब में बबल्स ज्यादा हैं, इसमें कम है। अब ये क्यों है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये देखो, ये सारे इस टेस्ट ट्यूब में ज्यादा बबल्स हैं और इसमें कम है। तो ज्यादा टेस्ट ट्यूब, ज्यादा बबल्स मतलब ज्यादा गैस, और ज्यादा गैस हमने क्या बताई थी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डबल थी जब हमने रिएक्शन देखी थी, और इसमें क्या हो जाएगी आपकी, ऑक्सीजन। ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात। हाइड्रोजन आपकी डबल थी और ऑक्सीजन आपकी उससे हाफ थी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल फोर, मतलब फोर टाइप ऑफ रिएक्शन डिकम्पोजिशन। अब तक हम हीट दे रहे थे, हमने लाइट दी, इलेक्ट्रिसिटी दी थी ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में। अब हम सनलाइट दे रहे हैं, सनलाइट, सनलाइट दी हमने AgCl, सिल्वर क्लोराइड होता है सॉलिड। जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं धूप में, तो ये Ag में टूट जाता है, सिल्वर तो अलग हो जाता है और आपकी क्लोरीन गैस उड़ जाती है। अब इसको हम समझते हैं फिर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। ठीक है, ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट, ये पूरा जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये पूरा AgCl है, ये सारा AgCl है, और ये हमने रिंग क्यों रखी हुई है, इसका अभी मैं मोटिव बता दूंगा। अब इस AgCl को आपने धूप में रख दिया, तो इसका कलर देखो ग्रे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ग्रे, धूप में रखने से, क्योंकि ये AgCl Ag में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन गैस उड़ गई है। अब आपको ये हम हटाते हैं, ये रिंग हमने जब हटाई ना, तो यहाँ पे एक बात देखो, ये रिंग में अंदर ये वाइट पार्ट, मतलब ये अभी तक AgCl ही है। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो क्लोरीन गैस तो उड़ जाती है, क्योंकि ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था, ये सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं आया, उसके फोकस में नहीं आया, इसीलिए AgCl ही रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये करना है, और ये फोटोग्राफी में रिएक्शंस यूज होती हैं इस तरीके से आप जो है ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। अब यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है समझो, ये FeSO4 वाली रिएक्शन थी, इसमें हमने हीट दी थी, एनर्जी दे रहे हैं, हीट क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। फिर AgCl था, इसमें सनलाइट दी थी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और H2O था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो जिन रिएक्शंस में हम एनर्जी देते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एंडो। एंडो का मतलब देना, थर्म का मतलब हीट, कोई भी एनर्जी आप दे रहे हो उस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इनमें हम एनर्जी दे रहे हैं किसी भी फॉर्म में। और आपसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है बताओ, जो हीट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तीनों मैंने रिएक्शंस बता दी हैं, ये आप एग्जांपल्स समझ लेना और इनको जो है लिख सकते हो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो हीट लेती है एनवायरमेंट से, हम एनवायरमेंट में हीट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको हीट दी तभी ये टूटा, हमने यहाँ पे इसको हीट दी ये टूटा, H2O को हीट दी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में तभी हम ये टूटा। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये तो बात थी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। अब इस तरीके से ही आप इस वीडियो को देखते रहें, चैप्टर को जो है अच्छी तरीके से समझ ले, NCERT क्वेश्चंस करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो ताकि आगे वीडियो आपको मिस ना हो, और इसको लाइक करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अब तो कर ही दो। ठीक है, थैंक यू।